ठीक है। चलो अब देखो आगे, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड वेव। उस दिन हमने पढ़ा था कि अगर जैसे ऐसे सोर्सेज हो, इधर S1 हो इधर S2 हो, दोनों सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस d हो, और यहां पर d डिस्टेंस पर, कैपिटल d डिस्टेंस पर मैं इंटरफेरेंस वगैरह देख रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट P है, यहां से एक साउंड वेव जा रही है, यहां से जा रही है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये दिस, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगा, ये पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कितना आएगा डी साइन थीटा के। ठीक है, फिर हमने देखा था कि डेल्टा एक्स मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स होना चाहिए एन लैम्डा के इक्वल, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 λ/2 होना चाहिए। ठीक, फिर हमने ये y निकाली थी, इसकी पोजीशन y/d इक्वल टू tan थीटा, और जो थीटा एंगल है बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल होगा तो मैं साइन थीटा की जगह y/d लिख सकता हूं। तो जहां पर डेल्टा एक्स डी साइन थीटा लिखा हुआ है, तो डेल्टा एक्स को मैं dy/d लिख सकता हूं। यहां से मुझे पोजीशन मिल जाएगी, मैक्सिमा कहां बनेगा और मिनिमा कहां बनेगा। ये बात क्लियर थी? चलो अब देखो, अगर ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अब मान लो सोर्स S1 यहां पे रखा हो, S2 यहां पे रखा हो, और इधर स्क्रीन हो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो अब कितना पार्ट डिफरेंस आएगा वो निकालेंगे हम लोग। अब मैक्सिमा की क्या कंडीशन होगी और मिनिमा की क्या कंडीशन होगी? तो लाइट की एक तो वेव जाएगी ऐसे और एक वेव जाएगी यहां से, ये पोजीशन, यहां से डिस्टेंस कितनी होगी वाई। अब यहां पर इंटरफेरेंस होगा, तो सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस निकालो, तो यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा मुझे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। सपोज करो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो देखो ये है डी, ये है थीटा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एक्स शायद बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो डेल्टा एक्स इस केस में हो जाएगा डी कॉस थीटा के। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए एन लैम्डा के बराबर, और डेल्टा एक्स कितना आपका डी कॉस थीटा, तो डेल्टा एक्स लिखूंगा मैं डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा आपका एन लैम्डा बाय डी, कॉस थीटा आ जाएगा एन लैम्डा बाय डी। और मिनिमा के लिए ठीक है, थीटा यहां से निकाल लोगे आप लोग, थीटा निकालने के बाद क्या करना, थीटा मिल गया, ये डिस्टेंस आपको पता है यहां से गिवन होगा आपको, मान लो सपोज करो ये डिस्टेंस डी है यहां से, फॉर मिनिमा जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n+1 λ/2, यहां से डी कॉस थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2, कॉस थीटा यहां से आ जाएगा आपके पास 2n+1 λ/2d। तो इस केस में जो कॉस थीटा होगा वो होगा 2n+1 λ/2,
समझ गए? यस सर, नोट कर लो इसको। हो गया? नो यस सर। ठीक है, लिख लो पहले। टॉपिक डालो, स्टैंडिंग वेव इन साउंड। साउंड में भी स्टैंडिंग वेव बनती है। तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्म होती है जब दो वेव, एक वेव यहां से आ रही हो, एक वेव यहां से आ रही हो, अपोजिट में आ रही हो, तब स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव इन साउंड, ठीक है। तो अगर कोई वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होगी P1 बराबर P0, प्रेशर की होती है cos, cos भी ले सकते हो, sin भी ले सकते हो, मैं sin की फॉर्म में लिखता हूं, sin omega t minus kx। और दूसरे वाले की इक्वेशन क्या होगी? वो अपोजिट में आ रही है, तो P0 sin omega t, बस यहां पे प्लस आ जाएगा, प्लस kx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसकी डायरेक्शन? नेगेटिव की तरफ है। दोनों वेव जो है अपोजिट में आ रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। पी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड इज सेम, दोनों के लिए सेम है एम्पलीट्यूड, सेम जानबूझ के लिया मैंने, ठीक है। सेम लोग है तभी आपका स्टैंडिंग वेव बनेगा, अगर नोड और एंटी नोड बनेगा क्लियरली। तो पी नेट बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, दोनों वेव को जोड़ दो, दोनों में P0 कॉमन है, साइन ओमेगा T माइनस KX प्लस साइन ओमेगा T प्लस KX। सॉल्व करो उसको, साइन A माइनस B, साइन A प्लस B से, साइन ओमेगा T cos KX माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब इसको खोलो, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। देखो कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2p0 cos kx sin omega t। इस 2p0 cos omega t को हम लोग क्या मान लेंगे? r, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का। तो यहां से p नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा r sin omega t। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई? ये इक्वेशन बन गई SHM की, मतलब वेव मूव नहीं करेगी, वेव अपनी ही पोजीशन पर खड़ी रहेगी और ऊपर नीचे वाइब्रेट होता रहेगा, पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, या फिर आप बोल सकते हो यही आपकी स्टैंडिंग वेव है, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। जो इक्वेशन SHM की होती है वही इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की होती है। नोट कर लो इसको। चलो आगे देखो, तो R, R जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है,
जो रिजल्टेंट वेव बनी, तो आप यहाँ पे देखोगे आर जो है वो कितना है, 2p0 cos kx। तो जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन एक्स, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। मैं अलग अलग पोजीशन पर जाऊंगा तो वहां पर पार्टिकल्स का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। तो पी मैक्स कितना होगा या आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स जो होगा वो होगा 2p0। यहां पे लिख लेते हैं आर मैक्स इक्वल टू 2p0 हो सकता है। ये कब होगा, जब cos kx की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी। तो cos kx की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी, प्लस माइनस वन कब होती है, जब kx इक्वल टू n pi होगा। kx इक्वल टू कितना होगा, n pi, pi पर, 2 pi पर। तो यहां से x आ जाएगा n pi by k, और k क्या होता है, k होता है 2 pi by lambda। तो k की वैल्यू रख दो 2 pi, lambda ऊपर चला जाएगा, pi से pi कैंसिल, तो x इक्वल टू आ जाएगा n lambda by 2। तो x की अलग अलग वैल्यू आएगी, 0 lambda by 2, फिर 3 lambda by 2, नहीं लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 डैश डैश डैश। तो इस पोजीशन पर 0 पर, लैम्डा बाई 2 पर, लैम्डा पर, 3 लैम्डा बाई 2 पर आर आपको मैक्सिमम मिलेगा। आर कहां मिनिमम मिलेगा, आर मिनिमम कितना होगा, 0। तो कॉस के एक्स भी 0 होना चाहिए। kx की वैल्यू क्या होगी, cos 90 पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, 1 0 रखोगे तो पाई बाई 2, 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2। यहां से x आ जाएगा आपका, इसको लिख दो 2 पाई बाई लैम्डा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसल, x इक्वल टू 2n प्लस 1। जैसे हमने वहां पे किया था सेम वही आ रहा है, देखो। तो 0 रखेंगे तो लैम्डा बाई 4, 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4। यहां पे आपको r मिनिमम मिलेगा। आई बात समझ में, तो इसमें भी नोड और एंटी नोड बनेंगे आप लोगों के। हो गया नोट? यस सर। चलो आगे देखो, अब तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो रिजल्टेंट इधर ले लेता हूं प्रेशर। तो जीरो पर क्या बन रहा है, मैक्सिमम हो रहा है प्रेशर, तो मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद तो यहां पर प्लस माइनस हो सकता है। तो ये हो गया आपका जीरो, फिर ये हो गया आपका लैम्डा बाई 2,
फिर हो गया ये लैम्डा, ठीक है, ये हो गया आपका नोड, और ये क्या हो गया एंटी नोड, जहां पर पी मैक्स है वो था एंटी नोड, ये वाला पॉइंट होगा एंटी नोड, ये होगा नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, स्ट्रिंग वेव में बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये यहां पर क्या लिखेंगे, जीरो और लैम्डा बाई टू के बीच में ये लैम्डा बाई फोर, ये थ्री लैम्डा बाई फोर, और ये फाइव लैम्डा बाई फोर। तो इस तरह से ये प्रेशर का जहां पर मैक्स है वहां पर बनता है एंटी नोड, और जहां पे मिनिमम है वहां पे बनता है नोड। तो ये बन गया प्रेशर का, और प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में रिलेशन है आपको पता है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां प्रेशर मिनिमम होता है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट अगर साउंड वेव की मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेता हूं तो ये आता है एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्रेशर की इक्वेशन लिखता हूं पी बराबर तो ये होता है पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाई टू, ओमेगा टी का के एक्स की वैल्यू मान लो जीरो है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाऊ तो डिस्प्लेसमेंट जहां प्रेशर मैक्सिमम है वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जहां पर प्रेशर जीरो है वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये एस हो गया इधर, यहां पर प्रेशर का नोड बन रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नोड, यहां बनेगा एंटी नोड कहां पर लैम्डा बाई फोर पे, जहां प्रेशर का नोड बन रहा है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है वहां प्रेशर का एंटी नोड बनेगा लैम्डा बाई टू। ये हो गया आपका एंटी नोड थ्री लैम्डा बाई फोर, ये हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, समझ गए। जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। चलो आगे देखते हैं, अब आता है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ऑर्गन पाइप, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें जेई और नीट में। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, या ऑर्गन पाइप, ठीक है, इसमें दो अलग अलग केस होते हैं, एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप और एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। तो पहला केस लेंगे हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, इसका एक एंड क्या होगा क्लोज होगा, वन एंड इज क्लोज्ड, वन एंड क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो एक एंड अगर क्लोज है तो देखो यहां पर जो पार्टिकल है, इस एंड पे जो पार्टिकल है, क्या इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिजिड एंड की तरफ पार्टिकल है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है,
तो यहां पर जो पार्टिकल है क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि रिजिड एंड पर है तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो मैंने बताया जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। प्रेशर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर का क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्रेशर का एंटी नोड। तो प्रेशर का एंटी नोड कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे करके, ठीक है। तो उसकी मिनिमम और यहां पर जो ओपन एंड में जो पार्टिकल है वो फुल्ली डिस्प्लेस हो सकता है, तो यहां पर बनेगा प्रेशर का क्या नोड बनेगा, सॉरी प्रेशर का क्या बनेगा उसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। आई बात समझ में, जहां पर पार्टिकल यहां का पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो सकता तो यहां पार्टिकल प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और इसी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यहां से लेके एंटी नोड से लेके नोड की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई फोर होती है। ठीक, आई बात समझ में। यहां पर लिख लो चाहो तो, पार्टिकल जो ए है, पार्टिकल ए इज नॉट डिस्प्लेस, ये वाला पार्टिकल ए सो प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। देयरफोर प्रेशर फॉर्म एंटी नोड एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर्म नोड गियर। आई बात समझ में, प्रेशर का यहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड, और डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा यहां पर नोड। ठीक, तो हमें ये पता चल गया यहां पर नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा प्रेशर का, और यहां पर बनेगा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। तो देखो इसकी मिनिमम कंडीशन क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जैसे उसमें निकालते थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। तो मिनिमम केस क्या होगा इसका, तो मिनिमम केस जहां पर ओपन एंड है वहां पर प्रेशर जीरो, वहां का पार्टिकल डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये ऑर्गेन पाइप ले लिया मैंने, तो मुझे पता है यहां पर प्रेशर का क्या बनेगा, ठीक है। पहला केस ले रहा हूं मैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर बनेगा प्रेशर का एंटी नोड, और यहां पर बनेगा प्रेशर का क्या नोड, क्योंकि यहां का जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो जहां का पार्टिकल डिस्प्लेस हो सकता है वहां पर क्या बनेगा, प्रेशर का नोड बनेगा। तो मिनिमम कंडीशन
ये हो सकती है, मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ है एल, तो यहां पर प्रेशर का बना एंटीनोड, यहां प्रेशर लिख लेना, और यहां पर बना प्रेशर का नोड। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बना सकते हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा यहां पर, डिस्प्लेसमेंट का बनेगा नोड, और इस पॉइंट से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यहां पर बनेगा एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है लैम्डा बाय फोर, तो लैम्डा बाय फोर एल के बराबर होगा, वी बराबर होता है एफ लैम्डा, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एफ बराबर वी बाय लैम्डा, यहां से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा आएगा फोर एल, तो फ्रीक्वेंसी आएगी वी बाय फोर एल, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम नहीं आ सकती, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में जब एक एंड क्लोज हो तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है, वी बराबर वी बाय फोर एल। या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वन टाइम मल्टीप्लाई, तो उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, हार्मोनिक मैंने बताया था कितने टाइम्स मल्टीपल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने टाइम मल्टीपल है वो हार्मोनिक को डिसाइड करता है। सेकंड केस, तो आपको पता चलिए जहां पर ओपन एंड है वहां पर हमेशा प्रेशर का क्या बनेगा नोड, जहां क्लोज एंड है वहां पर प्रेशर का हमेशा बनेगा एंटी नोड। तो और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, और केसेस को देखते हैं हम लोग। सेकंड केस, प्रेशर का बना यहां पे एंटी नोड, और यहां पर प्रेशर का बनेगा नोड। दूसरा ये हो सकता है एल लेंथ नोड एंटी नोड, सॉरी एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, दो नोड के बीच में डिस्टेंस होती है लैम्डा बाय टू, और ये होती है लैम्डा बाय फोर। डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बना लो, यहां पर बनेगा प्रेशर का नोड, और यहां बनेगा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। नोड नोड डिस्टेंस एल, नोड एंटी नोड लैम्डा बाय फोर, दो नोड के बीच में लैम्डा बाय टू, तो यहां पे L कितना हो जाएगा, तो L हो जाएगा यहां पे 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा आ जाएगा यहां से 4 L बाई 3, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2 बोलेंगे इसको, V बाय लैम्डा, तो 3V by 4L, या फिर 3 times of F1, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे first overtone या third harmonic, क्यों, क्योंकि ये तीन बार multiply है fundamental frequency के 3 times से। फिर इसके बाद बताओ F3 क्या आएगा, और क्या cases बन सकते हैं, अब हर बार नहीं बनाएंगे हम लोग, पहला आया V by 4L, दूसरा आया 3V by 4L, तो अगला क्या 5V by 4L आएगा, ये 5 टाइम ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन
या फिर फिफ्थ हार्मोनिक। इसी तरह से F4 क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा 7V/4L, इसे बोलेंगे थर्ड ओवरटोन और सेवंथ हार्मोनिक। थर्ड ओवरटोन या सेवंथ हार्मोनिक, बोलो बात समझ में आ रही है? थर्ड ओवरटोन या सेवंथ हार्मोनिक? तो ये F1, F2, F3, F4 ये जो भी आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर इन फ्रीक्वेंसी की वेव होगी